मध्य प्रदेश की मंडियों में अगर आज लहसुन की बात करें तो आज मंडियों में लहसुन की आवके अच्छी खासी देखने को मिली है। मंडियां लगातार लबालब भरी हुई दिखाई दी। तो वहीं अगर भाव की बात की जाए तो मंडियों में आज भाव में हल्की नरमी देखने को मिली है। नीमच मंडी के अंदर भाव की अगर बात करें तो नीचे में 80 से 90 रुपए प्रति किलो के भाव देखने को मिले हैं, तो वहीं ऊपर में 180 रुपए के आसपास भाव देखने को मिले हैं। और वहीं ज़्यादातर किसान नीमच मंडी में ही अपना माल लेकर पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश की अन्य मंडियां भी हैं जहां पर लहसुन की बिक्री की जाती है, लेकिन ज़्यादातर किसानों का रुझान नीमच मंडी की तरफ रहा। आइए जानते हैं किसानों से ही कि वे नीमच मंडी में ही क्यों अपना माल लेकर पहुँच रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। इस समय हम नीमच कृषि उपज मंडी में मौजूद है और ये लहसुन मंडी है। यहाँ पर लहसुन की नीलामी हो रही है, प्रक्रिया जारी है। कुछ ढेर बिक चुके हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हो कि ये मीडियम साइज़ के देसी मीडियम लहसुन है। और किस भाव गई है, क्या है पूरा इसका भाव रहा है, किसान से ही बात करेंगे। भैया कहाँ से आए आप? धार जिला पाईकुंडा। क्या भाव गई है ये? 14,000। ये मीडियम साइज़ की? हाँ, मीडियम साइज़ की 14,000 गई। अभी क्या भाव मिल रहा लग रहा था आपको जब वहाँ से लेके आए, तो क्या उम्मीद थी? हाँ, कि यही 10-12-15 हज़ार बिक जाएगी। मतलब तो आपकी उम्मीद पे खराब भाव होता है ना? ठीक है भाव। अच्छा, आपके वहाँ धार जहाँ रहते हैं आप उस गांव में, तो वहाँ और भी किसान हैं क्या? उन्हें निकालनी बात चल रहा है काम, किसी का किसी की निकली नहीं है, किसी की निकल भी गई है, किसी का काम चल भी रहा है। अच्छा, अभी जो मैं कह रहा था कि आप यहाँ लाए तो नीमच क्यों लाए? नीमच यहाँ भीड़ भी कम है थोड़ी अभी, और धार से आने का किराया कन्वेंस। हाँ, रेट अच्छा बिकता है, मंडी बड़ी है। कुल मिला के नीमच मंडी में किसान को अच्छा भाव मिलता है, इसलिए आप यहाँ लेकर आए। तो ये धार जिले से किसान आए थे जिन्होंने बताया कि इस तरह का भाव उन्हें इन्होंने जो अपेक्षित था उतना इनको भाव मिला। और नीमच मंडी में किसानों को अच्छा भाव मिलता है, इस वजह से किसान वहां पर कूच कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।